हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण बेसिक फार्मूलों के बारे में। और ये सभी रासायनिक सूत्र व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी यूजफुल हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से बेसिक फार्मूले हैं केमिस्ट्री के, जो यहाँ पर जिक्र करे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि हेडिंग पढ़ी है रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और उनके सूत्र। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका यहाँ पर नाम दिया गया है वो है साधारण नमक का। ठीक है, तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है NaCl। ठीक है, तो ये NaCl इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। और इसको अगर देखा जाए तो एक नाम और दिया जा सकता है लवण। ठीक है, यानी केमिस्ट्री की भाषा में इसको साल्ट या लवण भी कहा जा सकता है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और सूत्र NaCl। ठीक है, और इसी को हम लवण भी कहते हैं। अब इसके बाद में अगला आपका फार्मूला है NaHCO3। ठीक, तो ये आपका जो NaHCO3 है ये बेकिंग सोडा का फार्मूला है। ठीक, तो बेकिंग सोडा का अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, NaHCO3, यानी कि इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का फार्मूला है, जिसे हम खाने का सोडा भी कह सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। ठीक, इसके बाद में अब बात करते हैं धावन सोडा, जिसे हम क्या बोलेंगे, वाशिंग पाउडर। ठीक, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह पर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक, ऊपर आपने क्या पढ़ा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो धावन सोडा यानी कि वाशिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अब इसका फार्मूला देखा जाए तो ये फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2। अगर यहाँ से 10H2 को हटा दिया जाए तो Na2CO3 को सोडा एस भी कहा जाएगा, यानी कि सोडे की राख। ठीक, अगला यहाँ पर नाम दिया गया है सुहागा। ठीक, तो सुहागा का जो कॉमन नाम होता है वो होता है बोरेक्स। ठीक, ये आपका अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर इसका फार्मूला देखा जाएगा तो फार्मूला होता है Na2B4O7 × 7H2। ठीक है, तो बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O। ठीक, इसके बाद में फिटकरी। ठीक, तो फिटकरी जिसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, और इसका थोड़ा सा सूत्र बड़ा होता है बच्चों, K2SO4 × Al2SO4 ×24H2, यानी कि K2SO4 × Al2SO4 ×24H2। इसका एक नाम और होता है बच्चों, वो होता है आपका पोटास एलम। ठीक, तो फिटकरी को पोटास एलम के नाम से भी जाना जाता है। और अगर यहाँ पर क्रोम एलम कर दिया जाए तो क्रोम एलम में इस जगह पर Al2 की जगह पर Cr2 हो जाएगा। तो अगर आपसे क्रोम एलम का सूत्र पूछा जाए तो वो फार्मूला होगा K2SO4 × Cr2SO4 ×24H2। फिलहाल यहाँ पर आपको फिटकरी का सूत्र बताना है, तो ये आपको हो जाएगा फिटकरी का सूत्र। ये आपका अगला आप दिया गया है सोरा। ठीक है, तो सोरा का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, अब पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर अगर फार्मूला देखा जाएगा तो फार्मूला हो जाएगा KNO3। अगर इसको बच्चों देखा जाए तो एक नाम और दिया जा सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे, इंडियन सोरा। ठीक है, और अगर इसी जगह पर NaNO3 होता है, ठीक, तो इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, विदेशी सोरा। ठीक, यानी कि इसका नाम हो जाएगा चिली साल्ट पीटर। ठीक, ये भी इसका नाम होता है चिली साल्ट पीटर, या क्या बोलेंगे, विदेशी सोरा। और KNO3 को क्या कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि कॉमन सोरा या इंडियन सोरा। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण की। ठीक, तो विरंजक चूर्ण जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सूत्र क्या होता है, CaOCl × Cl, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है CaOCl2। ठीक, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, यानी कि विरंजक चूर्ण। इसका काम होता है कलरफुल किसी भी मटेरियल को कलरलेस करने का। ठीक, यानी कि रंग को उड़ाने का काम कौन करता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, अगला है आपका चूने का पानी। ठीक, तो चूने का पानी यानी कि इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो आपको अगर CaOH का होल ट्वाइस
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम बताना हो तो ये बताया जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कॉमन नाम क्या बताएंगे आप, चूने का पानी। अगला आपके पास में दिया गया जिप्सम, ठीक, तो जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O, ठीक। तो CaSO4 × 2H2O को हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम। इसके बाद में अब बात करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका नाम क्या है यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट आपका POP है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और इसका जो सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। हकीकत में देखा जाए तो ये जो आपका जिप्सम है, जब इसको गर्म किया जाता है तो जल का एक अणु निकल जाता है। तो जब जिप्सम को गर्म करने से जल का एक अणु निकल जाएगा तो आपके पास में यही बचेगा CaSO4 × 1/2H2O। तो ये आपका जिप्सम का फार्मूला है, और ये आपका POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, जिसका बेसिकली इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, प्लास्टर चढ़ाने में, जब हड्डी वगैरह टूट जाती हैं तब, ठीक है। इसके बाद में अब आप आगे बात करते हैं चाक या हड़िया, ठीक। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर भी कह सकते हैं, मार्बल भी कह सकते हैं, चाक भी कह सकते हैं, खड़िया भी कह सकते हैं, है ना, टाइल्स भी कह सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, CaCO3। अब CaCO3 को अगर हम क्या करें, 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट किस में अलग हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको कहा जाता है बिना बुझा चूना, ठीक है। अब यही आपका आगे दिया भी है कि बिना बुझा चूना, है ना, तो बिना बुझा चूना का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका जो सूत्र होगा वो होगा CaO, ठीक। तो इस तरीके से आपको बिना बुझा चूना का सूत्र बताना है CaO, और नाम क्या हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका खास है व्यापारिक दृष्टिकोण से नौसादर, ठीक। तो नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl, ठीक। नाम क्या हो जाएगा रासायनिक, अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है, और सूत्र क्या होगा, NH4Cl। इसके बाद में ये अगला है आपका लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस का फार्मूला होता है N2O, ठीक। तो आपको लाफिंग गैस का फार्मूला क्या बताना है, N2O यानी कि हंसाने वाली गैस, और सूत्र क्या होगा, तो N2 हो गया, नाम क्या होगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। अब इसके बाद में बात करते हैं लाल सिंदूर की, ठीक। तो लाल सिंदूर का रासायनिक नाम लेड परऑक्साइड होता है, और सूत्र क्या हो जाएगा, तो Pb3O4 इसका सूत्र हो जाएगा, किसका, लाल सिंदूर का। अगला है आपके पास में नमक का अम्ल, ठीक। तो नमक का जो अम्ल होता है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सूत्र क्या होगा, तो HCl होगा, ठीक। इस तरीके से आपको नमक का अम्ल का सूत्र बताना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सूत्र क्या हो जाएगा, HCl। अब इसके बाद में है आपका अम्ल राज, है ना। तो ये आपका अम्लों का राजा है, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोल सकते हैं, या बिग किंग ऑफ केमिकल्स बोल सकते हैं। तो अम्लराज क्या होता है, इसको एक्वारेजिया भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक्वारेजिया। अच्छा, इसमें मिश्रण किस चीज़ का होता है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, प्लस किसका होता है, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो दो चीज़ों को मिलाया जाता है अम्लराज में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसका फार्मूला क्या होता है, HNO3, और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फार्मूला क्या होता है, HCl। तो HNO3 और HCl को 1:3 में, यानी कि इस रेशियो में मिलाने पर क्या बन जाता है, अम्ल राज, ठीक। अब इसके बाद में हम बात करेंगे जल गैस की। तो जल गैस का बच्चों फार्मूला क्या होता है, CO+H2O, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, जिसका फार्मूला CO, और उसी में हाइड्रोजन गैस को मिलाया जाता है ना, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का जो मिश्रण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जल गैस। अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं शुष्क बर्फ की, ठीक। तो शुष्क बर्फ का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल आग बुझाने में किया जाता है। अगर इसको इन्वायरमेंट में देखा जाए तो कितने परसेंट पाई जाती है, तो 0.00038
परसेंट, ठीक, इतने परसेंट में ये आपकी इन्वायरमेंट में पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद में आगे हम बात करेंगे मार्स गैस की। तो मार्स गैस जिसका फार्मूला होता है CH4 और नाम क्या होता है, मेथेन होता है, ये प्रथम हाइड्रोकार्बन है आपका। इसके बाद में अगला आपके पास दिया गया सिरका, ठीक, तो सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। ठीक, क्या बताना है सिरका का रासायनिक नाम, एसिटिक अम्ल का तन विलयन, ये भी आप इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है। अगला है आपका एल्कोहल, तो एल्कोहल का कॉमन नाम आपका यहाँ पर एल्कोहल हो जाएगा, लेकिन रासायनिक नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH, इसमें OH आपका क्या लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, और ये आप C2H5 क्या है, तो ये आपका इतना क्या कहा जाएगा, इतने को कहा जाएगा एथिल। ठीक, इसी में OH लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा आपका एथिल एल्कोहल। अगला है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कॉमन नाम क्या होता है, तो मैग्नीशिया होता है, सूत्र क्या होता है, तो MgO होता है। ठीक, अगला है आपके पास भारी जल, तो भारी जल का आपका सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और सूत्र क्या होता है, D2O होता है। ठीक, लास्ट में आपके पास में ब्लैंक जिंक, तो ब्लैंक जिंक का रासायनिक नाम होता है जिंक सल्फेट, और सूत्र क्या हो जाएगा, ZnS। ठीक, तो ये आपका ब्लैंक जिंक है जिसका रासायनिक नाम जिंक सल्फेट और सूत्र ZnS। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने रसायन विज्ञान के कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में जाना, और ये सभी फार्मूले व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी यूजफुल हैं, और अगर केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सभी आपको फार्मूले याद कर लेना है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।